देख सकते हो थोड़ा चांदना, मतलब देखो चांदनी रात हो गई, मतलब इतना ज्यादा अंधेरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उठकर रेडी हो गया हूँ खेत में जाने के लिए, ना कि कॉलेज में जाने के लिए। आज कॉलेज में जाऊँगा, पर यार मैंने सही बताया आपसे, तो आज मैं जाऊँगा कॉलेज में। तो फिलहाल तो अभी खेत में चलते हैं, फ्रेश होकर रेडी हो गए, कपड़े चेंज करने रहते शॉर्ट्स शॉर्ट्स में। अभी तो उठकर ही आया हूँ, तो मम्मी निकल गई है घर से, जा रही है, तो मैं अभी चलता हूँ फटाफट कपड़े पहन कर, खेत में जाकर मिलते हैं। चलो। सो गाइस, फिर मेरे पास चीन आ गई है, देख रहे देख कित पड़ेगी अनु तारे कित जाएगी कल भाई, इसका चोट लग हाँ दिखाई दिखाई उसकी डर दिख गई, चोट तो कड़ी तरह लग रही बेटा ना भाई। कल इसका एक थोड़ी लड़ाई हो गई थी कुत्ते के साथ, तो चल बेटा मैं खेत में जाऊँ, मम्मी जा ली लेट हो जाए। रुक जा टीना, टीनू चल बैठ जा, अरे बैठ चल बैठ जा, उठी उतना ही, अरे बैठी रहे खेत में जाट दे ठीक से। सो गाइस, खेत में पहुंच चुके हैं, अब आगे चलते हैं, अपने जोर काटते हैं। यार देखो बिल्कुल प्लेन हो गई ना, एक से एक सी लग रही है। जोर काटते हैं, फिर काट कर घर पर चलते हैं, यार तो जल्दी चले जाएंगे। हाँ जल्दी आए हैं, जल्दी चले जाएंगे। चलो फटाफट काट देते हैं, 9-10 मिनट में कट जाएगी सारी। चलो। सो गाइस, जवार पैक कर दी है पालने में, और यहाँ पर मेरे खड़े होने की जगह बच गई, और ये सारी रोटी सेट हो गई है, तो अब चलते हैं घर पर। चलो, रोहित भाई का फोन आया था अभी कि भी काउंसलिंग करानी, उसकी काउंसलिंग बाकी है ना, तो अब उसकी काउंसलिंग कराने चलते हैं, घर पर जाते ही जाएंगे। सो गाइस, घर पर आ गए थे, और भाई जवार भी कटवा दी मैंने, और अब चल रहे हैं काउंसलिंग कराने। रोहित भाई के मेरे कपड़े चेंज कर दिए, ब्लैक पैंट ब्लैक टी शर्ट, फिर आकर नहा धोकर फिर जाऊँगा मतलब फर्स्ट डे करने के लिए। तो अब रोहित आ रहा चौराहे पे, तो वहाँ पर चलते हैं और फिर चलते हैं उसकी काउंसलिंग कराने, हो जाएगा तो अच्छा ही है। सो गाइस, रोहित आ गया है, उड्डा दो रहा है, तो भाई अब उड्डा को और लेते हैं फिर। सो गाइस, उड्डा ने लेन आ गया, बाहर खड़ा कर क्या ना काट रहा क्या भाई, कर क्या भीतर खड़ा आ जाए अगर कित मारेगा देख। तो भाई सामने दो जनावर दिख ला गए, अपना कॉपी कराने ला गए हैं डॉक्यूमेंट्स की। अरे सूडा ने कहेगा बेरा नहीं हो, लाग रहा माथा मार, पासबुक की कॉपी कटवा हुई हो कोई ना के काम, ओरिजिनल करेक्टर सीट रजिस्ट्रेशन पैंट की सनन दे बाबर नहीं सनन दे, हर सारी करवा दी कटवा दी है। तो गाइस, मैं घर पर आ गया, और उसका रोहित भाई का थोड़ा सा यार कसर रह गई होने की मेडिसिन, और अब बज गए 1:30 बज गए भाई, 1:30 बजे आया घर पर, 1:30 बजे हैं, 2:30 बजे। तो भाई कौन सी दो पाँच हो रहे, हाँ भाई 2:05 हो रहे, गड़ी खराब हो रही है। तो भाई मैं अब खाना खाऊंगा, फिर वैसे कब भूख लगी हुई है भाई, ना भूख लग रही है तगड़ी। तो भाई क्या क्या खानी है, सब्जी रोटी किसका, बूंदी का रायता हो, लोटे वाला बूंदी का रायता भाई, और लस्सी है जग में, देख के उल्टे काम कर रखे हैं घर वाले, ये लोटे में सब्जी जगह सेट हो गया ऐसे, तो अभी इनको डाल लेते हैं, और भूख ज्यादा लगे तो सारी रोटी खा जाए लाग लिया ढंग भाई, तो कटोरी में, कटोरी में डालनी पड़ेगा भाई रायता है ना। और पहले लाल लस्सी भाई अपनी फेवरेट, बाकी इसको फ्रिज में रख देते हैं। बैठे रहे उड़ा, मतलब नंबर ना आया जल्दी से, पता था दूर के 10:30 11 बजे जाके, 10:30 11 बजे जाके, तो मास्टर मैडम आए, अरे फिर के क्या रुका भाई, कहता लाइफ रुक जाओ थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, टाइम ला दिया हमने, उड़ा बैठे रहे कई बार, फिर बाद में जब जाकर आए फिर उड़ान फिर आके बैठ गए। अब रायता डाल देता हूँ भाई रायते इसमें कटोरी में, एक कोई बूंदी आ जाए, एक भी नहीं रहनी चाहिए। हाँ प्लेट में रोटी खा लेते हैं, 2 4 6 6 खाई जाएंगे भाई, फालतू वैसे खा लो, भूख बहुत तेज जोर शोर से कम लगे। चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस, मैं खाना पी
खाना खा कर कह रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी अभी उठा हूँ, थोड़ी देरी हुई है तो खाना खाकर सो गया था। काफ़ी अच्छी नींद आई। तो अब टाइम हो गया भाई, 5 बज गए। मैं दो दो ढाई घंटे सो गया, कुछ देर फ़ोन चला लिया था। नहीं 5 नहीं बजे ना, 4:30 हुए। हाँ 4:30 हुए हैं भाई। तो सही कहा, आधे घंटे पर मैंने तो उसमें फ़ोन, हाँ 5 बज गए भाई। फिर तो वही गलती हुई जब थोड़ी देर पहले हो गई थी, मतलब जब घर पर आया था मैं। तो फिर अब चलते खेत में, और मम्मी खेत में, कल नहीं जाए, कल मैं मीनू को लेकर रोहतक जाऊँगा। नीतू का भी कुछ सामान दे के आऊँगा और मीनू को भी लेके जाऊँगा उसके एमडीओ की सीट वगैरह, इसीलिए। तो फिर कल नहीं जाना, तो इसीलिए आज शाम को ही चलते हैं। तो अब चलते हैं बाइक लेकर, मैं और मम्मी बेसानी वहाँ पर ही जाएंगे थड़ियों पर। चलो सो गाइस, खेत में पहुँच चुके हैं। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है। मम्मी ने यार काटने लगी और मैं भी लग जाता हूँ मम्मी के साथ साथ फटाफट, और 15-20 मिनट में करके काम अपना, फिर चलते हैं घर पर। चलो आज खेत में से आ गए, घूमने फिरने का टाइम हो गया। रोहित वहाँ से आ रहा है और छोटे वहाँ से आ रहा है, हरे कपड़े पहन कर। भाई लड़ ले पैसे करे, लत्ते पैर ले पेट पर टांग दूंगा, दिखा भी नहीं गा। तो ये सक्षम गाना बाकी उस तुमने मैसेज किया था, मंगा आ जा तो ना मेरा कब सी आओगा भाई। ये ठोक दिया और ना गलत मारे यार, बोनट पर बैठा के ले जाना था ना तू, तो जब मजा आओ उसने और ना गलत मारा था, नठा ले जाओ गल जब मजे आओ ना। अरे सक्षम आओ था चल, इतना पानी पी कड़ा है ना, मैं खेत में तो आया हूँ। मैंने उस तरह फोन कराया, मैंने बला सुख मुश्किल आ रही, मैं मां के को तो मैंने कम मैंने उस माई बा आओ मैसेज कराया तो आता हूँ सक्षम जाता आन दे। सो गाइस, मैं घर पर आ गया, नहा धोकर रेडी हो गया हूँ पूजा के लिए। अब पूजा करते हो और मैं आज कटिंग देकर, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक ब्लैक बाल रखे भाई। तो कल तेल लगा था मैंने, क्योंकि तेल बहुत कम लगा, तो मैं थोड़े भाई चामरे सामने बाल हो गए थे, अब ठीक हो गए। तो अब पूजा करते हैं चल। सो गाइस, मैंने पूजा कर लिया, अब आ गया खाना टाइम। तो आज है अपनी खिचड़ी, वो गर्म है यार, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ कर लेकर जानी पड़ेगी। तो ये भी मिला दिया मम्मी ने, आए हाय आज आ जाएंगे मजे खाना खाने में। चलो खाना खाते हैं। सो गाइस, मैंने खाना पीना कर लिया है और अब करूँगा एडिटिंग, रुक जाए। तो भाई पहले एक बार आज कहते ना फुल मून नाइट, मतलब चांद बहुत बड़ा लगेगा और मतलब पास भी लगेगा, तो वही देखता हूँ मैं। अब रात हो गई है, 9 बज गए हैं, तो वो देखते हैं, वो दिखाते हैं आपको अभी फिलहाल, फिर करेंगे जो करना है। चलो तो भाई बिल्कुल चांद तो बड़ा लग रहा है, कैमरे में थोड़ा छोटा लग रहा है। वैसे 2-3 दिन हो रहे, मैं रात को देखता हूँ, इतनी चांदनी रात होती है ना भाई, बूझो मत। और ये देख लो यहाँ पर बिल्कुल चांदना है ना, इतना मतलब इतनी चांदनी रात हो जाएगी। रात को शूट करता हूँ मैं, अभी एडिटिंग नहीं करूँगा। मतलब 10 बजे जब मैं सोता हूँ ना, तो जब एडिटिंग करता हूँ, जब इतनी चांदनी रात लगती है ना, तो तब देखता हूँ आज चांदनी रात हो गया, क्योंकि चांद मामा चंदा मामा कहते हैं ना यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर बिल्कुल चांदनी लगेगी, क्योंकि और उस चमक उठेगी ना भाई। तो उस टाइम पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं करते एडिटिंग हम। चलो अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, लौटते ही हैं। और एक एरोप्लेन जा रही है वहाँ से, चलो तो अंदर ही चलते हैं, फिर देखते हैं 10 बजे क्या होता है। तो भाई 9:30 हो गए और आप देख सकते हो थोड़ा चांदना, मतलब देखो चांदनी रात हो गई, मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं रहा, मतलब कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा अच्छी तरह, पर मुझे बाहर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, रात को हर चीज़ क्लियरली दिख रही है। अगर हम थोड़ा यहाँ से देखें, देखो आपको ये भी दिख रहा होगा, गेट भी दिख रहा होगा अच्छी तरह, दिख रहा है ना मेरी उंगली भी और बाहर का दिख रहा होगा। तो भाई ऐसी चांदनी रात है, तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा चांदनी रात है। तो हम भी एक्टिंग करके सोते हैं।